रूपकारीगर भाव से भल उपार्जन करी परिवार पोषण करने को सक्षम है। अतिथि परायणता चरित्र एक विशेषत्व था। गाँव साहब जे कहीं कलिकता गले दुकान में रोते और बेस अतिथि स्वीकार कर से समान को आपायित कर निजे खाई अन्य को खोबारे बेस आनंद पाते से कलिकतार गाँव आसला बेले कि फेर बेले सांगसाथी को जलखिया न खाई छाड़ी सी रहणी आम समस्त बेस उपभोग्य समय प्रतिकूल गति जो पुणी दुर्द आसला जीवन पुंजीर अभाव सांग को धार कर बोझ को बोन पड़ी दुकान भी बिकी गाँव को फेर पड़ा अभाव अनाथ कष्ट सत्वे स्वभाव नष्ट कर प्रभु सप्तर प्रति भक्त विश्वास की एक लोकप्रिय कीर्तन दल प्रमुख गायक भाव कार्य स्वल्प उपार्जन आरंभ करशेष जन दक्ष सुना रूपा कारीगर भाव अभिज्ञ विक्रेता भाव विभिन्न सुना दोकने कर्मचारी हो जीविका उपार्जन करुते जयकर अवश्य प्रभु कृपा निजर शिक्षा दीक्षा बल में एकम्र पु और द्विज गुणाधिक उपार्जन घर चलवा खर्च के बहन कर बापा अभाव बोधर कष्ट को लाभ करुले अभाव थे भी अशांत ना पर एक मध्यवित पर सुख दुखर फेटा फेटी जीवन बिताऊ पर विधि विचित्र विधान हस समूह मजादर कथार पर आपणा कर धर्मवाद कर जीवन बीत निरीह निष्पापी चैतन्य को आतताय हत्यार शिकार होगा पड़ा अबलर लिखिगला जीवन दीप बेसारा हो गला पर दुखर भांगी पड़े प्रियजन शोकाकूल हेला परेश यथार्थला भागवतर यही बाड़ी मत्स्यमंडल देह भी देवता है मरे मत्स्यमंडल देह भाई देवता है मरे बंधुक ये सत्य खंड को आम समस्ते मानवा तेणु कार्यक्रम को आगे आगे नापी अनुरोध करी जन्म मृत्यु विधि निर्धारित विषय जिते कष्ट दुख हो पचे आमको स्वीकार कर पड़ो विधिकृत चिरंतन सत्य तेणु बंधुगण वास्तववादी हो मनुष्य आत्मार सत्यति निम्ते गुणगान पूर्वक और स्मृतिर अनुसरण उद्देश्य गुणी मनुष्य गुणर पूजार विश्वास करुवा ज्ञान साई प्रयोजित करम को विपद बंधु प्रकृत बंधु यही सत्य विश्वासी मनुष्य भाव आपण मान सज उपस्थिति अशेष धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम परिचालन करने को आगे चलुच बंधुगण पर अनुरोध करी चैतन स्मृति में कविता पाठ करने प्रस्तुत थी कला मंच को आस Thank you.